छत की देखिए कितनी नीट एंड क्लीन सफाई इस पंप से होते हुए देख रहे हैं आप। क्रैक को पैक करते हुए ये 8 इंची की पत्ती है। ध्यान दें ज्यादा बारिश और हाई टेम्परेचर में अप्लाई ना करें। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पेंट करो चैनल में। तो चलिए आज हम आपके लिए एक और वाटर प्रूफिंग की नई वीडियो स्मार्ट केयर डैम प्रूफ की लेके आए। तो देखिए इस तरीके से हम तार के ब्रश की सहायता से रूफ की सफाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम इसकी सफाई करते हुए, देखिए कितना कालापन है छत में। देखिए तार ब्रश से कितनी आसानी से यह सफाई हो जाती है। देखिए इस तरीके से आप तार ब्रश से इसकी सफाई कर लें, देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। और ये एक वाटर लीकेज से आपकी छत को बचाता है। और यह एक हाइसिन पेंट होता है जिससे ज़्यादा धूप रिफ्लेक्ट होती है, अपना जो डैम प्रूफ प्रोडक्ट है एशियन पेंट का। तो देखिए इस तरीके से आप छत की सफाई कर लें। पहले देखिए ये कोने में जो लूज पार्टिकल्स वगैरह हैं, जो मरा हुआ प्लास्टर है, उसको आप आसानी से निकाल लें। और देखिए ये 20 लीटर में अपन 1 लीटर एसिड मिलाएंगे। इस तरीके से ये 20 लीटर अपन ने पानी लिया है, इसमें 1 लीटर एसिड मिला लिया है अपन ने। इससे मग्गे की सहायता से अपन छत पर डालेंगे। और दोस्तों इसको अपन वाटर पंप में नहीं चलाएंगे, हो सकता है कि अंदर हमारी कोई ये वासल काट सकता है, अंदर एसिड है ये अपना काम करता है। तो इसलिए मग्गे की सहायता से झाड़ू से हम सारी छत पर इसको फैला देंगे इस तरीके से। देखिए फिर इसको फैलाने के बाद 15 से 20 मिनट बाद या आधा घंटे बाद आप आराम से इसको वाटर पंप से, हाई प्रेशर वाटर पंप से आप इसकी धुलाई कर सकते हैं। तो देखिए ये इस तरीके से एसिड मिला हुआ पानी छत पे डाल दिया है। आप देख रहे हैं किस तरीके से छत से गंदगी निकल रही है। देखिए तो इस तरीके से आप झाड़ू की सहायता से पानी सारी छत पर घुमा लें इस तरीके से। देखिए और उसके बाद देखिए ये हाई प्रेशर वाटर पंप है हमारा धुलाई के लिए। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हम इसकी धुलाई करेंगे। छत की देखिए कितनी नीट एंड क्लीन सफाई इस पंप से होते हुए देख रहे हैं आप। देखिए आपने देखा कितनी काली छत थी, और देखिए ये सफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए तो इस तरीके से आप प्रेशर पंप की सहायता से छत की धुलाई कर लें। जो भी क्रैक्स वगैरह हैं और किसी तरह की गंदगी है, तो इससे ये आसानी से आप इसको क्रैक से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये छत आपकी सफाई होते हुए देख रहे हैं आप। तो दोस्तों देखिए कितना शानदार तरीका है सफाई करने का छत का। हाई प्रेशर वाटर पंप है ये अपना। देखिए देखिए कितनी सफाई से आप छत को देख रहे हैं साफ करते हुए। देखिए ये अपने 2.5 से 3 mm के क्रैक होते हैं। देखिए दोस्तों ये स्मार्ट केयर क्रैक सील, ये अपना फाइबर मिक्स मटेरियल होता है। देखिए इससे इस तरीके से अपन ये क्रैक्स हैं स्मार्ट केयर क्रैक सील से अपन इनको पैक कर देंगे। देखिए ये अपन क्रैक को पैक करते हुए, ये 8 इंची की पत्ती है, और इसको थोड़ा सा आप पंच करके थोड़ा सा दबा के इसको भरें, जिससे कि मटेरियल क्रैक के प्रॉपर अंदर चला जाए। इस तरीके से ये क्रैक्स भरते हुए, ये अपना एशियन पेंट का स्मार्ट केयर क्रैक सील है। ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत ही कारगर प्रोडक्ट है। ये देखिए इस तरीके से क्रैक को अपन पैक कर देंगे, और उसके बाद फिर अपन इस पर प्राइमिंग कोट करने के लिए तैयार है। और इसमें थोड़ा सा सूखने का आप समय है, जो क्रैक्स भरने के बाद 4 से 6 घंटे का इसमें आप गैप दें, जिससे कि मटेरियल प्रॉपर तरीके से सूख जाए, और उसके बाद अपन इसको प्राइमिंग कोट करेंगे। तो चलिए आप अब अपन प्राइमिंग कोट के लिए मटेरियल तैयार करेंगे। तो देखिए ये अपना स्मार्ट केयर डैम प्रूफ की बाल्टी है। इस तरीके से आप इसको खोल लेंगे, और उसके बाद ये देखिए अपन 6 से 7 लीटर पानी एक बाल्टी, मानो 20 लीटर मटेरियल में आप इसको तैयार करेंगे। देखिए इस तरीके से ये मटेरियल तैयार होते हुए, एक बार मैं और बता दूंगा आपको, ये एक वाटर लीकेज से बचाता है। यह हाइसिन पेंट होता है जिससे ज़्यादा धूप रिफ्लेक्ट होती है। यह 8 से 10 डिग्री तापमान भी कम करता है। और इसकी पैकिंग की अपन बात करेंगे तो दोस्तों ये इसकी जो पैकिंग होती है 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर की पैकिंग में आता है। यह सिर्फ व्हाइट कलर का आता है, और आप इसमें कोई भी कलर नहीं मिला सकते हो। देखिए इस तरीके से ये मटेरियल तैयार करते हुए, देखिए ये अपन फर्स्ट कोट करते हुए, तो देखिए ये अपना
मटेरियल तैयार होके और इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। ये अपनी इसकी दोस्तों कवरेज की बात करें तो ये 1 लीटर में लगभग 10 से 12 स्क्वायर फीट कवर करता है। इसे आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो देखिए, इसे आप पैराफिट बॉल, एक्सटीरियर बॉल, टेरेस, सनसेट आदि जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 लीटर में 1 लीटर पानी आप प्राइमिंग कोट के लिए मिला सकते हैं। प्राइमिंग कोट के लिए 2 और 3 कोट में जो अंतर होता है वो 4 से 6 घंटे का अंतर होता है। और 3 mm से छोटे क्रैक एशियन पेंट क्रैक सील से भरेंगे। ध्यान दें, ज़्यादा बारिश और हाई टेम्परेचर में अप्लाई ना करें। तो देखिए दोस्तों, ये अपना प्राइमिंग कोट होते हुए आप देख रहे हैं, ये हमारा एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है। देखिए ये अप्लाई करते हुए हमारे चतुर और अनुभवी कारीगरों द्वारा आप ये वर्क देखते हुए देखिए, इस तरीके से अपन प्राइमिंग कोट करते हुए ये देखिए। तो दोस्तों, जब भी आप यूज करें तो पहले खड़ा हाथ लगाएं और दूसरा कोट करें तो आड़ा लगाएं, माना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इस तरीके से देखिए, ये दोबारा अपन प्राइमिंग कोट के बाद क्रैक सील भरते हुए देख रहे हैं आप। इस तरीके से प्राइमिंग कोट के बाद क्रैक सील भरते हुए देख रहे हैं आप। जो भी कमी अपने क्रैक सील में रह जाती है, उसके बाद दूसरे प्राइमिंग कोट करने के बाद दूसरी बार भी आप क्रैक सील इस तरीके से भर सकते हैं। ये क्रैक सील आप दोबारा चेक करते हुए देख रहे हैं आप। देखिए इस तरीके से क्रैक सील अपन ने चेक कर दिए। देखिए ये स्मार्ट केयर अपना आउटर टेप है एशियन पेंट का। देखिए इस तरीके से इसमें एल बना होता है बाहर की तरफ के लिए, तो अपन इस तरीके से देखिए इसको लगाएंगे। ये देखिए कोने में इस तरीके से अपन इसको लगा देंगे। तो देखिए पहले अपन मटेरियल को लगाएंगे इस तरीके से कोने पर, कॉर्नर पर। देखिए ये मटेरियल अपन ने लगाया और इस पर अपन टेप लगा देंगे। अपन इस पर टेप लगा देंगे और थोड़ा पत्ती से गाढ़ा मटेरियल लेकर आप इसको इस तरीके से थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, पत्ती की सहायता से ये पेस्ट लगा दिया। इससे क्या है कि टेप अपनी जगह पर चिपक जाएगा। देखिए इस तरीके से। इसके बाद जो कॉर्नर है उसमें अपन देखिए ये रूफ टेप लगाएंगे। इसको बोलते हैं जॉइंट टेप, स्मार्ट केयर जॉइंट टेप। ये रूफ टेप इस तरीके से मटेरियल अपन कॉर्नर में यूज कर लेंगे ब्रश की सहायता से। देखिए और इसको ये देखिए इस तरीके से टेप लगाते हुए आप देख रहे हैं, ये अपन ने टेप लगा दिया। देखिए टेप लगाने के बाद अपन इस पर ब्रश की सहायता से गाढ़ा मटेरियल लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये लगभग टेप कंप्लीट होते हुए, और इस तरीके से देखिए अपन इस पर मटेरियल यूज कर लेंगे। ये देखिए ये अपना रूफ टेप लगा के और मटेरियल इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। देखिए तो ये सूखने के बाद दोस्तों बिल्कुल सेट हो जाएगा, और जब तीसरा कोट लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी सेट हो जाएगा, पानी जाने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे इसमें। यह अभी दूसरा कोट होते हुए आप देख रहे हैं। और दूसरे कोट में एक चीज़ और बता दूं मैं आपको साथियों, इसमें अपन को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना है। जैसा मटेरियल बाल्टी से अपन निकालेंगे वैसा ही यूज करना है। देखिए ये दूसरा कोट अपना होते हुए इस तरीके से आप देखिए, ये दूसरा कोट, इसमें कोई भी अपन ने पानी नहीं मिलाया, एक बूंद भी पानी नहीं मिलाया है। ये सीधा बाल्टी खोल के अपन पेस्ट यूज कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से देखिए, ये दूसरा कोट होते हुए ये दूसरा कोट कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं आप। देखिए ये पहले अपन ने खड़ी दिशा में लगाया था, अब अपन इसको आड़ी दिशा में लगाते हुए देख रहे हैं दूसरा कोट। ये दूसरा कोट लगाते हुए आप देख रहे हैं, ये दूसरा कोट भी अपना कंप्लीट होते हुए, ये दूसरा कोट कंप्लीट होते हुए देखिए कितना गाढ़ा माल है। पेस्ट ही पेस्ट अपन यूज कर रहे हैं, इसमें कोई भी पानी नहीं मिलाया है। देखिए ये पेस्ट है प्योर, और ये दूसरा कोट अपना फाइनल होते हुए आप देखते हुए देखिए, ये दूसरा कोट कंप्लीट है। तो इसी प्रकार दोस्तों अपन तीसरा कोट कंप्लीट करेंगे, ये दूसरा कोट कंप्लीट होते हुए, और चलिए अब अपन तीसरा कोट कंप्लीट करते हैं। तो देखिए ये अपना तीसरा कोट होते हुए, आपको छत में कुछ गंदगी दिख रही होगी। तो दोस्तों एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसकी वजह से ये छत हमारी गंदी हो गई थी, और हमने इसको साफ सफाई करके तो ये उस तरह के जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको येलो येलो कलर के, तो ये बारिश हुई थी रात में, उस वजह से ये
अपनी छत येलो कलर के स्पॉट टाइप के दिख रहे हैं। तो देखिए ये हमारा तीसरा कोट कंप्लीट होते हुए आप देख रहे हैं। देखिए ये स्मार्ट केयर डैम प्रूफ का, इसमें एक भी बूंद पानी नहीं मिलाया है और ये तीसरा कोट भी अपन अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। देखिए ये तीसरा कोट कंप्लीट होते हुए स्मार्ट केयर डैम प्रूफ का, और दोस्तों इसमें कंपनी आपको 8 साल की वारंटी देती है। देखिए ये कंप्लीट होते हुए, तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो, और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।